बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फवाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, क्लास 6 में मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। सेट्स का टॉपिक हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज हमारी चल रही है, एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 इसका रहता था, आज हम उसको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी सवाल पूछा जाता है पेपर में। इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से करें, इसको समझें भी अच्छी तरह से, और कॉपी में करते हुए याद रहे कि क्लास वर्क का काम क्लास वर्क लिखिएगा, और आपकी कॉपी में सेंटर में पेज नंबर्स आप लोग लिखते हैं आप वो भी लिखेंगे, और दो डेट डलती है आपकी, एक अंग्रेज़ी डेट होती है इंग्लिश की और एक अरबिक डेट होती है, ये तमाम डेट आप लोग ज़रूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आइए हम देखते हैं। राइट इन टेबुलर फॉर्म, दो फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये तमाम सवाल आपके पास लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्राइब करके लिखे हुए हैं, इनको हमें लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो आइए हम क्वेश्चन पार्ट 1 पढ़ते हैं। सेट ऑफ नेम्स ऑफ कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, आप नाम लिख रहे हैं कैपिटल्स के, पाकिस्तान के जो कैपिटल्स हैं उनके सूबों के नाम लिख रहे हैं, प्रोविंसेस सूबों को कहते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? कराची, गुड़, लाहौर, गुड, क्वेटा, गुड, शाबाश, और बताएं, पिशावर, गुड, गिलगित, गुड, एक्सेलेंट। अब हम इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। कराची, याद रहे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं जब टेबुलर फॉर्म में हम लिख रहे होते हैं। लाहौर, क्वेटा, पिशावर, गिलगित, कराची, लाहौर, क्वेटा, पिशावर एंड गिलगित। पार्ट 1 हमारा हो गया। सेकंड पार्ट कौन देखते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं आपको 50 से लेकर 70 तक। सबसे पहले हम इसको समझेंगे नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। प्रेप में आप तफसीली पढ़कर आए, वो तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाए जाते हैं सिवाय ज़ीरो के। ज़ीरो अगर आ जाए तो वो नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर कहलाता है। तो लिहाजा वो तमाम नंबर्स दिख रहे हैं नेचुरल नंबर्स जो कि 50 से लेकर 70 तक हों। तो सारे नंबर्स आ जाएंगे 50, 51, 52, 53, 54, 56, 7, 8, 9 और इस तरह से 69 एंड 70। बात पहले भी बताई आपको कि टेबुलर फॉर्म लिखने का तरीक़ा, ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट का, और साथ में कॉमा का इस्तेमाल करते हुए हम टेबुलर फॉर्म को लिखते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं जो डिवाइड हो जाते हो कम्प्लीटली 2 से। तो वो कौन कौन से नंबर्स होंगे वो लिखने हैं आपको। 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, 4 जी बिल्कुल हो सकता है। तो आप लिखना शुरू करें 2, 4, 5 नहीं हो सकता, 6, 7 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20।
अब हम देखेंगे ये 10 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 हैं या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जी बिल्कुल, ये वो शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं इजीली। फोर्थ पार्ट हम देखेंगे, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड पाकिस्तान, ये इनका सेट टेबुलर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? याद रहे पी ए के आई एस टी ए नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, टेबुलर फॉर्म में जब भी हम लिख रहे होते हैं तो रिपीटेड सेट्स के अंदर जो रिपीट है हम उसको दो दफ़ा नहीं एक ही दफ़ा लिखते हैं, तो लिहाजा ए हम पहले लिख चुके हैं तो ए हम नहीं लिखेंगे दोबारा, तो आखिरी एन पी ए के आई एस टी एन, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। सिक्स फिफ्थ पार्ट आप खुद कीजिएगा, बहुत इजी है, बुक में देखें फिफ्थ पार्ट क्या है आपके पास। सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो मैथ्स के टीचर्स हैं उनका सेट बनाना है, उनके नाम आप लिख लीजिएगा। सिक्स पार्ट है, सेट ऑफ नेम्स ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग जो आपका फ्लैग है झंडा है उसका कलर, उनके कलर्स के नाम लिखने हैं, कौन कौन से कलर्स में हैं उस झंडे में, कौन कौन से कलर्स होते हैं वो आपको लिखने हैं। जी बेटा बताइए कौन कौन से कलर्स होते हैं? जी वाइट एंड ग्रीन, गुड, उसको भी हम लिख देंगे वाइट ग्रीन। इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसको राइट डाउन करें और एक जो पार्ट रह गया है उसे आप कंप्लीट करें। होमवर्क मैंने आपका ये लिखा है, डू एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कीजिएगा आप, इसको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है ये टेबुलर फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप या मैसेज के ज़रिए से पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे बढ़ाते हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।